स्टूडेंट्स, आज हम सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट में सम रिसीव्ड ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो पेमेंट मिलता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट है, ये क्या होता है कि जब कोई वर्कर जो है किसी स्कीम के अंडर या फिर किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से जो अपनी जॉब है, सर्विस है, उससे जो है अर्लियर रिटायरमेंट ले लेता है, यानी रिटायरमेंट एज जो है उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है वहाँ से, तो उसको अगर कोई कॉम्पनसेशन अपने एम्प्लॉयर की ओर से इस वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए मिलता है, तो उस कंडीशन में जो वो कॉम्पनसेशन अमाउंट मिली है उसकी टैक्सेबल लाइबिलिटी जो है वो कैसे जो है कैलकुलेट की जाती है, उस पर क्या टैक्स लाइबिलिटी बैठती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो स्कीम्स होती हैं, ये कई बार जो है एम्प्लॉयर्स की ओर से चलाई जाती हैं अपने वर्कर्स को जो है रिट्रेंचमेंट करने, कम करने के लिए, और वर्कलोड को अपनी जो फैक्ट्री पर जो या अपनी कंसर्न पर या अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो ह्यूमन वर्कर्स का जो लोड बढ़ गया है उसको कम करने के लिए कई बार कुछ स्कीम्स भी चलाई जाती हैं, जिसमें कि वर्कर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेंगे तो उसके बदले में उनको कुछ कॉम्पनसेशन जो है वो पेड किया जाएगा। तो इस तरह से कोई जो कॉम्पनसेशन अगर मिला है तो उसकी टैक्सेबल लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, इसके बारे में बताया गया है इसमें। इफ़ एनी एम्प्लॉई टेक रिटायरमेंट फ्रॉम हिज सर्विस वॉलेंट्री, द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन शैल बी एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है तो ये जो फोर पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनमें से जो लीस्ट ऑफ द अमाउंट होगी जो इनमें कैलकुलेट करके आएगी वही जो है उसकी टैक्स फ्री अमाउंट होगी, उस पर उसको टैक्स नहीं देना है। बाकी की जो अमाउंट बैठेगी उस पर उसको टैक्सेबल लाइबिलिटी बनेगी, वो सैलरी हेड में ऐड की जाएगी। तो फर्स्ट है इसमें, द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 month सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। जितने साल उसने सर्विस कर ली है कंप्लीट ईयर, उनकी 3 month सैलरी जो उसको लास्ट टाइम विथड्रॉ करी होगी उसने, उसमें मल्टीप्लाई करके जो सैलरी आएगी वो यहाँ पर जो है नोट करनी है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड है, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस मंथ ऑफ सर्विसेज लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और सुपर एन्यूएशन। यहाँ पर जितनी उसकी सर्विस अभी जितने महीने की बाकी रह गई है उसकी मल्टीप्लाई जो 3 month जो उसकी जो सैलरी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आई है एवरेज सैलरी, उसमें मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो इस सेकंड पॉइंट में लेनी है। थर्ड नंबर पर आती है इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी जो उसको कॉम्पनसेशन पेड हुआ है एम्प्लॉयर की ओर से। और फोर्थ इसमें जो अमाउंट है वो है मैक्सिमम लिमिट 5 lakh रुपीज़ की, यानी मैक्सिमम 5 lakh रुपए तक ही ये अमाउंट जो है वो फ्री हो सकती है। इस पूरी कैलकुलेशन के लिए जहाँ पर हमें सैलरी कैलकुलेट करनी होगी, तो उस सैलरी को जो है कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो सैलरी होगी उसमें बेसिक सैलरी, इसमें आपको प्लस करना है डियरनेस अलाउंस, इसमें डियरनेस अलाउंस प्लस होगा अगर वो अंडर टर्म्स है तो, और इसके बाद इसमें कमीशन बेस्ड जो टर्नओवर के ऊपर कमीशन मिलता है फिक्स्ड परसेंटेज से वो जो है इसमें वो ऐड किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें इसमें जो है ऐड होंगी, उसके बाद जो सैलरी आएगी वही जो है उसी पर जो है ये कैलकुलेशंस की जाएंगी। तो अब हम इसमें जो है इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है, श्री सुमन इज एन एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ही टुक वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम हिज सर्विसेज इन फेब्रुअरी 2021। ही वॉज पेड सम ऑफ रुपीज 8 lakh। वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से, कोई स्कीम होगी उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें उनको कॉम्पनसेशन अमाउंट पेड हुआ है 8 lakh रुपीज़ का। द नॉर्मल एज ऑफ द रिटायरमेंट इज 62 years, बट श्री सुमन वॉज इज 50 years एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड हैड ए कम्प्लीटेड 25 years ऑफ सर्विस।
देखिए नॉर्मल एज तो वहाँ पर 62 ईयर्स की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 50 ईयर्स की एज पर ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो ले लिया है, और अब तक उन्होंने 25 ईयर्स की जो सर्विस है वो कंप्लीट कर ली है। हिज मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज एज अंडर, बेसिक पे है उसकी 15,000, डियरनेस अलाउंस है 15,000, 40% इट इज़ इंक्लूडेबल फॉर पेंशन, यानी इसमें से 40% जो है वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हाउस रेंट अलाउंस है 40,000। कैलकुलेट टैक्सेबल पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर हमें टैक्सेबल पार्ट निकालना है कॉम्पनसेशन का, कि कितना जो है उनका कॉम्पनसेशन अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले हम उन्हीं चार पॉइंट्स को जिनका भी हमने डिस्कस किया था उन्हीं के अमाउंट जो है यहाँ पर फिल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले है इसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट जो उनको कॉम्पनसेशन का मिला है वो है 8 लाख रुपीज़ का, ठीक है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, जो अमाउंट दिया हुआ है वही लिखना है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे 3 मंथ सैलरी ऑन ईच कम्प्लीटेड ईयर के बेसिस पर, ठीक है। तो उन्होंने 25 ईयर्स की सर्विस अभी तक कंप्लीट करी है, जैसा कि उन्होंने ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है। इसकी 3 मंथ सैलरी के बेसिस पर हम टोटल अमाउंट निकालेंगे कितनी बैठती है। तो 25 ईयर्स की उन्होंने सर्विस कर ली है, 3 मंथ सैलरी के बेसिस पर निकालनी है, यानी 75 मंथ की जो सैलरी है वो हमें यहाँ पर लेनी है। यहाँ पर सैलरी में क्या लिया जाएगा उसके लिए उन्होंने आपको पहले से ही क्लियर कर रखा है बेसिक सैलरी। डीएनएस अलाउंस जो है उसने कहा है कि 40% अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, तो यहाँ डीएनएस अलाउंस उतना ही लिया जाएगा जितना कि अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विसेज हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विसेज यहाँ पर जो है 15,000 का 40%, यानी 6,000 ही डीए जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन। इसमें कमीशन देना है, लेकिन कमीशन जो है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है उनको, सेल्स पर कोई कमीशन इस तरह से मिलता हो ऐसा कोई इसने क्वेश्चन में नहीं इंडिकेट किया है, तो इसलिए कमीशन तो नहीं लिया जाएगा। बस यहाँ पर केवल में 15,000 की इसकी बेसिक सैलरी प्लस 40% जो हमारा डीए है जो कि अंडर टर्म्स है वो ले लिया हमने, तो इसका सम आ रहा है 21,000। तो ये 21,000 की जो उनकी सैलरी है 75 मंथ्स, ये इस तरह से आए हैं कंप्लीटेड ईयर में 3 मंथ की हमने मल्टीप्लाई करी है, तो 75 मंथ की जो सैलरी है उनकी वो इस हिसाब से बैठती है 15,75,000 रुपीज़। अब इसके बाद हमें सैलरी लेनी है रिमेनिंग पीरियड की, जितना उनकी सर्विस अभी बाकी रह गई थी। तो रिमेनिंग पीरियड जो उनका था वो 12 ईयर्स का था, क्योंकि उन्होंने 50 ईयर्स में रिटायरमेंट ले लिया है, जबकि रिटायरमेंट एज जो है वो 62 ईयर्स की बताई गई है। तो 12 ईयर्स, या इसको आप ये कह सकते हैं कि 12 × 12 यानी 144 मंथ की जो उनकी सैलरी है वो हमें यहाँ पर लेनी है। सैलरी वही रहेगी 21,000, तो 144 × 21,000 ये यहाँ पर आती है 30,24,000। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गए। और इसके बाद मैक्सिमम अमाउंट के लिए तो यहाँ पर रूल ये है कि मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप देखें ध्यान से कंसीडर करें तो पहले वाले में उनको मिला 8 लाख का, दूसरे वाले पॉइंट में 15,75,000 की अमाउंट आई है, थर्ड पॉइंट में 30,24,000 आया है, और फोर्थ में लास्ट में 5 लाख मैक्सिमम उनको हम दे सकते हैं। तो इन चारों में से मिनिमम तो यही बैठ रहा है, तो यानी यही वाली अमाउंट जो है उनकी टैक्स फ्री होगी। तो अगर हम टैक्स फ्री कॉम्पनसेशन की बात करें तो वो यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ होगा। ठीक है, अगर हम इसमें टैक्सेबल अमाउंट पार्ट की बात करें तो उनको टोटल कॉम्पनसेशन 8 लाख का मिला है, तो इसमें से 5 लाख का जो टैक्स फ्री हो गया है वो माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि उनको 3 लाख रुपए की जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है इस पर टैक्स लाइबिलिटी पेड करनी है। तो इस तरह से जो है जो कॉम्पनसेशन मिलता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट पर उस पर टैक्सेबल जो पार्ट है जो सैलरी में ऐड होगा उसकी कैलकुलेशन की जाती है।